नमस्ते भारत। लक्ष्मी पूजन आदि के पश्चात आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो गई हूँ और आज के वीडियो का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो है आप सभी लोगों को आपके मेरे हम सब के पावन पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करना। तो मैं अपने परिवार के साथ आप सभी लोगों को सपरिवार प्रकाश पर्व दीपावली की हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। ईश्वर के चरणों में ये भी प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, उन्नति के सर्व शिखर पर जाएं और माता लक्ष्मी की आप लोगों पर खूब कृपा रहे। आप लोगों को बधाई तो देनी ही है हमारे पर्व के त्योहार की, लेकिन उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीजें बोलनी है। एक, उन छदमियों को एक्सपोज एक बार फिर से करूंगी जिनको दीपावली पर प्रदूषण की याद आ जाती है और प्रदूषण प्रदूषण गा करके बोलते हैं कि पटाखे मत फोड़ो। और उसके अलावा एक चीज और, ये जो दिए यहां पर जल रहे हैं मट्टी के हैं, वोकल फॉर लोकल के तहत मैं हमेशा हमारे लोगों के द्वारा, आर्टिजन्स के द्वारा जो हाथ की बनी चीजें होती है उनको प्रमोट करती हूँ। और मैंने एक रील के माध्यम से ये बोला था कि प्लीज आप लोग सब कुछ खरीदिए बाकी, लेकिन ये मट्टी के जो बने हुए दिए होते हैं जिनको छोटे छोटे जो आर्टिजन्स होते हैं वो सड़क में रेड़ी पर या जमीन पर बोरी आदि बिछा करके बेचते हैं, उनसे इनको जरूर लीजिएगा। क्योंकि हम जब ये दिए उनसे खरीदते हैं तो हम उनके घर में प्रकाश का माध्यम बन जाते हैं, उनकी भी दिवाली अच्छी हो जाती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने खूब सारे मट्टी के दिए खरीदे होंगे, पूरे घर में मट्टी के दिए लगाए होंगे, आपका घर खूब जगमगा रहा होगा जैसे मेरा जगमगा रहा है। अब मैं दूसरी बात उन लोगों के बारे में करना चाहती हूं जो वैसे तो पूरा साल भर प्रदूषण के बारे में चिंता नहीं करते हैं। दिल्ली NCR वालों के फेफड़ों की हालत बुरी हो गई या भारतवर्ष के अन्य कोनों में प्रदूषण हो रहा है उनकी बला से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो खूब लोग मतलब ओपन एरियाज में सिगरेट भी पीते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं जिनसे प्रदूषण होता है, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है प्रदूषण 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 का रोना करके बोलते हैं कि पटाखे मत चलाओ, पटाखे मत फोड़ो, पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, हवा खराब हो रही है, जहरीली हो रही है। तो उनसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूं कि पूरे साल में दीपावली तो एक बार आती है, एक या दो दिन छोटी और बड़ी दीपावली के दिन हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, पटाखों की आवाज आपको आ भी रही होगी पीछे से, तो उस हिसाब से तो दीपावली के दूसरे दिन यानी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, चलिए मान लीजिए 48 आवर्स के लिए ही प्रदूषण रहना चाहिए, हवा खराब होनी चाहिए, AQI खराब होनी चाहिए, उसके बाद तो हवा एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, टनाटन हो जानी चाहिए, प्रदूषण नाम की कोई चीज ही हवा में नहीं रहनी चाहिए, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी सारी सर्दियों में इतना भयंकर प्रदूषण क्यों होता है, हवा जहरीली क्यों होती है, खासतौर पर दिल्ली NCR के अंदर और बाकी हिस्सों में भी जहां पर होती है भारतवर्ष की, तब तो दीपावली नहीं होती। पूरे साल तो हम सनातनी पटाखे नहीं फोड़ रहे होते दीपावली मना मना के, तो फिर तब प्रदूषण क्यों होता है? उस प्रदूषण की जो रूट कॉज है, प्रॉब्लम है, उस पर क्यों नहीं बोलते हो भाई? कितना झूठ बोलोगे छदमियों। और ये जो मैंने उदाहरण दिया है उससे एक बात साफ हो गई कि एयर पोल्यूशन का कॉज दीपावली नहीं है। हमारे त्योहार को बदनाम मत करो, अगर होता तो, अगर ऐसा होता तो फिर ये जो आज और कल प्रदूषण उत्पन्न हुआ वो पूरे साल भर हवा में रहता ना और पूरे साल हवा को प्रदूषित करता, नहीं तो सर्दियों में तो करता ही करता, दिल्ली NCR को तो अवश्य करता। और जब दीपावली के समय पर हम लोग पटाखे फोड़ते हैं अपना त्योहार मनाने के लिए, तब तुम बोलते हो प्रदूषण हो गया। पर इन लोगों के घर में जब शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, ये कोई नई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, इनके कोई बड़े नेताजी जेल से छूट के आते हैं, ये रज के न जाने कितने असंख्य पटाखे वो भी जहरीले वाले फोड़ते हैं, तब इनको प्रदूषण की याद नहीं आती, तब इनको दिल्ली वालों की या देश के किसी भी हिस्से में जो लोग हैं उनके फेफड़ों की और जीवन की चिंता नहीं होती, तब इनका ज्ञान पता नहीं कहां हवा में गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता मुझे। तो इन छदमियों को एक्सपोज करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आप लोगों से मैं यही बोलूंगी, हमारा त्योहार है, हमारा पर्व है, हम धूमधाम से मनाएंगे और पटाखे फोड़ना दीपावली का एक हिस्सा है, उसके अलावा साफ सफाई करना, लोगों में खुशियां बांटना, मिठाइयां बांटना, लोगों को गिफ्ट्स देना, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें भी तो हम दीपावली में करते हैं, वो इनको नहीं दिखाई देता।
दीपावली को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, और ये जो टूल किट गैंग है, उस टूल किट गैंग ने ये पूरा अभियान छेड़ा हुआ है। इसलिए इन लोगों की बातों में न मैं आती हूं ना आप लोग आएंगे। दीपावली हम सब लोग धूमधाम से मनाते थे और मनाते रहेंगे, और इस साल की दीपावली तो वैसे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम अपने घर अपने मंदिर के अंदर 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के पश्चात ये दीपावली मना रहे हैं। तो अयोध्या जी तो जगमग है ही, हम सब लोग भी बहुत अभिभूत है। तो जय श्री राम बोलते हुए और सियापति रामचंद्र जी की जय बोलते हुए इस वक्त अपनी वाणी को विराम दे रही हूं, और फिर से आप सब लोगों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।